ग्वालियर से रीता सिंह जी। रीता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। रीता मैम क्या करते हो ग्वालियर में आप, और पहला सवाल कौन सा? सर मैं फिजिक्स टीचर हूँ, पर अभी मैं जॉब में नहीं हूँ, जॉब छोड़ दिया है मैंने, और मैं अपनी कोचिंग लेती हूँ और ये शेयर मार्केट करती हूँ। अरे वाह, अरे वाह, ओके। रीता मैम पहला सवाल कौन सा? यस सर, जियो फाइनेंस है सर मेरे पास, 50 शेयर्स। कितने पे खरीदे हुए हैं? 245। बढ़िया, क्या पूछूं कि रखे रहा हूँ या मुनाफा बांध दूं, ऐसा पूछूं क्या? सर शेयर्स तो मेरे पास ज्यादा थे, पर मैंने ये पहले डिप में आ गया, उसके बाद जब राइज किया तो निकाल दिया, तो मेरे को वेट करना है या मैं और ऐड कर लूं? कुछ टाइम की कोई लिमिट नहीं है सर, क्या करना चाहिए? जो है उनके लिए सवाल नहीं है राजेश सर, उसपे तो 125 रुपए पर स्टॉक का गेन हो रहा है। ये पूछना चाहती है ये सही समय और ऐड कर लेने का क्या, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐड, पहले तो ये बताओ, और ये सही समय है क्या, उसके बाद इसका आंसर। आशीष जी, जिस दिन से जियो की लिस्टिंग हुई है उस दिन से मैंने आपके मैंने आवाज के चैनल पर लगातार इसमें बाय कॉल दी है, और आज भी हमारी इसमें बाय कॉल ही बनी हुई है, और मैं यही कहूंगा कि जब इनको समय की आमदनी नहीं है तो ऐड करने के लिए अगर कोई बाजार में गिरावट आएगी 10-20 रुपया गिर जाएंगे, उस चक्कर में ना रहें। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो स्टैगर्ड भाव में बिल्कुल इन्हें खरीदारी करनी चाहिए, बहुत शानदार कंपनी है, इनके पास डेटा बेस है रिटेल का और जियो का जिससे इन्हें फायदा होगा, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, 6% के आसपास इनमें रिलायंस का स्टेक है, ब्लैक रॉक के साथ इनका टाई अप हुआ है, और कई तरीके के बिजनेस में जाने की बातें हैं। मुझे लगता है कि इस स्टॉक को लंबी अवधि के लिए इनको भी और जो दूसरे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी बाय की रिकमेंडेशन रहे। भाई साहब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि इसकी चर्चा इस प्लेटफॉर्म पे हो गई, ये बता दूं हमारे प्रमोटर और इस कंपनी के प्रमोटर सेम।